हेलो एवरीवन, मुझे ज़रा चैट करके बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर मिल रहा है या नहीं। चलिए, इसका मतलब है कि आवाज़ क्लियर आप लोगों तक पहुंच रहा है। ओके देन, आज के क्लास में बहुत कोई बट कुछ लड़के जो हैं जो बेसिक्स के क्लास कर रहे थे उनको भी एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया है। ये सिंप्लीफिकेशन का डे टू क्लास है। जो लड़के आपके डे वन क्लास में, जैसे जो बेसिक क्लास में नहीं थे, उनको जो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था, उनसे जो है मुझे ये कहना है कि वो डे वन का वीडियो ज़रूर देख लेंगे, उन्हें मिल जाएगा। अगर कहीं नहीं मिलता है तो मुझसे बोल देंगे तो मैं उनको अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए, अब क्लास को मैं शुरू करता हूँ। क्लास को शुरू करने के पहले कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए पहले उससे शुरू करते हैं। पहला मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, टेस्ट का मतलब होता है रिवीजन। तो टेस्ट का जब मतलब रिवीजन होता है, तो टेस्ट का मतलब रिवीजन का मतलब हम कैसे उसको करते हैं उसे पहले समझें। टेस्ट का रिवीजन हम कैसे समझ करते हैं उसे आपको पहले समझना होगा। एक मिनट निशा जी, देखिए आपको जो है ऑलरेडी नोटिफिकेशन जा चुका होगा, क्लास ज्वाइन कीजिए, उसको क्लिक करेंगे तो क्लास ज्वाइन करेंगे, क्लास शुरू हो चुका है। तो टेस्ट का मतलब होता है रिवीजन, इसको पहले हम समझते हैं कैसे ये होता है। जैसे हम सिंप्लीफिकेशन का डे वन का 20 सवाल है, तो ये कल जो सवाल है इसके ऊपर टेस्ट आपको मिल जाएगा और ये 15 मिनट में 20 सवाल बनाना। देखिए, सवाल आप जानते हैं, आप तैयार किए हुए हैं, और जो आज ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें क्या है कि कल तक में करना है, उसके बाद टेस्ट देना है। डे टू में क्या होता है कि जैसे 20 सवाल पहले हो चुके हैं, आज सिंप्लीफिकेशन का डेट दूसरा 20 सवाल होंगे, तो 20-20-40 सवाल होंगे। तो मतलब डे आफ्टर टुमारो, परसों ये टेस्ट टू होगा। इसमें देखिए 20 सवाल पे सवाल पूछे जाएंगे, मतलब हर दिन का 15 मिनट आपको रखना है। 40 सवाल में से 20 सवाल पूछे जाएंगे, मतलब किसी दो में से एक सवाल। डे थ्री, अब देखिए कि अब सिंप्लीफिकेशन का फिर हम 20 सवाल करेंगे या 25 सवाल करेंगे, जो भी है, और टेस्ट थ्री में जो है उसमें फिर 20 सवाल करेंगे, टाइम 15 मिनट का रहेगा, मतलब 60 सवाल में 20 सवाल, मतलब हर 3 सवाल पे एक सवाल आपको टेस्ट में देना है। तो ये रिवीजन की प्रक्रिया है, बार बार हर दिन 15 मिनट डालते हैं और इन सवालों को करते हैं। तो फिर आप जान लीजिए कि आपका कुछ भी जो है, जो रिवीजन नहीं चलते, जो कमजोर छात्र होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो रिवीजन नहीं होता है। डे फोर में आप जाइए तो डे फोर में आप देखेंगे कि ये टेस्ट फोर होगा, इसमें 60 सवाल के साथ 20 सवाल और आपको मिलेंगे, तो 80 सवाल पे अब है कि 30 सवाल पे पूछा जाएगा और समय 20 मिनट का हो जाएगा। अर्थात हर दिन आपको 20 मिनट का टेस्ट देना है, और जैसे ही ये 20 मिनट का टेस्ट देना है, अरे तुम बेसिक मैथ में कहाँ जा रही हो, ठीक है नीचे चले जाओ, नीचे जाके देखो कि वहाँ पर आपका बैच होगा, बैच को क्लिक कीजिए तो स्पेशल
सिंप्लीफिकेशन बैच होगा उसको क्लिक कीजिए, फिर लाइव क्लास को क्लिक कीजिए, क्लास के अंदर चले जाइए। पहले सब पूछ नहीं सकती, अब क्लास शुरू होने के बाद ये सब पूछती है। अब डे फाइव जो है, डे फाइव में क्या होगा, 80 और 20 100 सवाल हो जाएंगे, और उसका भी मतलब एक दिन के बाद वो टेस्ट फिर आएगा, उसमें 30 सवाल होंगे, 100 सवाल से 30 सवाल पूछे जाएंगे, 20 मिनट का टाइम। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से टेस्ट जो है हर दिन चलता है, आप 15 मिनट से 20 मिनट रखते हैं और हर दिन क्या करते हैं, ऑनेस्टली देते हैं। पहले मार्क्स कुछ भी है उस पर नहीं सोचे, धीरे धीरे करते हुए जाते हैं, तो देखते हैं कि सारी सवाल पे जो है आपका स्ट्रेंथ बन जाता है। या यही यहाँ पर रिवीजन करवा के मैं जो बोलता हूँ उस तरह से हम लेके चलते हैं। आशा करता हूँ कि चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। दूसरा, अब सवाल पे आते हैं, आज के सवाल पे। अब देखिए ये सवाल में बोला गया क्या है, यदि एक्स प्लस 7954 गुना 7956 एक वर्ग संख्या हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो कहने का मतलब है आप देख पा रहे हैं पूछा क्या हुआ है और हम इसमें आंसर क्या करते हैं। देखिए एक्स प्लस 7954 गुने 7956। अब देखिए मैं इस 794 को पहले लिख दिया जानबूझ के, एक्स को बाद में लिख दिया, और इस 7956 को इसको हमने तोड़ दिया 7954 प्लस 2। आशा करता हूं कि ये आप समझ चुके होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पर स्थिति क्या हो गई, अब 7954 से जब हम 7954 को गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 7954 होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7954 से 2 को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 7954 गुना 1 हो जाएगा और यहां पर x हो जाएगा। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको एक फॉर्मूला की बात करता हूं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको अगर हम इस तरह से सोचते हैं, अगर मैं सोचता हूं कि मैं 7954 को 7954 को मैं a मान लेता हूं, मतलब इसको a मान लेता हूं, तो ये क्या होता है, देखिए यहां 7954 मतलब ये ए स्क्वायर है, और मैं 1 को बी मान लेता हूं, इस 1 को जब मैं बी मान लेता हूं तो प्लस 1 स्क्वायर जो है ये बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 स्क्वायर होगा और एक ही होगा। और देखिए ये 2795 जो है गुने ए गुने बी, तो कहने का मतलब देखिए ये 2ab हो गया। अब जरा फॉर्मूला से मिलाइए तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, मतलब 7954 प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब यहां पे बोला चाहिए एक वर्ग संख्या होना चाहिए, तो क्या होता है 7955, 4 के साथ एक जोड़ देंगे तो 7955 ये जो होगा ये स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हमने क्या मान लिया है, ये x माना हुआ था, इसको x हमने माना था, मतलब इस पे अगर हम इस जगह पे एक जोड़ देते हैं, देखिए यही 1 स्क्वायर है, तो फिर ये क्या हो जाता है, ये आपका संपूर्ण वर्ग हो जाएगा। इस तरह से ये एक नंबर इसका सही उत्तर हुआ। और देखिए इस सवाल पे अगर आप लोगों को किसी को भी किसी तरह का संदेह, सस्पिशन, कंफ्यूजन कुछ भी हो रहा हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आप लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर बस 2 मिनट वेट करूँगा, आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि आपको किसी तरह की किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या नहीं।
किसी को भी सवाल पूछना है तो हैंड रेज करके सवाल को पूछ सकते हैं। सवाल को पूछ सकते हैं किसी को भी अगर है। निशा तुमने अभी ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं है, इसकी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, जितना पोर्शन तुम्हें छूट गया है वो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम अगले सवाल से कंसंट्रेट करना। ओके देन, अगर आप लोगों को किसी को भी किसी तरह का संदेह है तो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो प्लीज सवाल ना पूछे, क्योंकि वो वीडियो देख लेंगे। उसके बाद भी कोई सवाल है तो आप जानते हैं कि मुझे व्हाट्सएप पे पूछा जा सकता है और वहां से मैं चीजों को क्लियर कर देता हूं। चलिए, अब 2 मिनट हो चुका है, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो आपके सामने ये रहा, बोला गया है 19.36। देखिए, इसके ऊपर वर्गमूल का सिंबल है प्लस 0.1936, इसके ऊपर भी वर्गमूल का सिंबल है प्लस, यहां पर पूछा गया है 0.001936, इस पर भी वर्गमूल का सिंबल है। देखिए, ये सवाल रिपीट हो रहा है, पहले दिन के सवाल को मैं इस पे करवाया हुआ हूं, जो सवाल रिपीट होंगे उस पे मैं आज क्वेश्चन नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लूंगा कि ये पहले करवाया जा चुका है, और आज जो ज्वाइन किए हैं वो पहले के वीडियो देखकर, मतलब डे वन की वीडियो देख के अपनी जो है इसको दूर कर सकते हैं। सोमनाथ जी, क्लास हो रहा है, आप सो रहे हैं तो क्या करूं मैं। तो देखिए, पहले मेरे को 1936, अब 1936 को हमें वर्गमूल निकालना है। देखिए, इस वर्गमूल निकालने के तरीके को पहले बार दिखाया तो भी मैं इस बार कर देता हूं। एक बार पहले हम क्या करते हैं, 36, ये हम पहले जोड़ा बनाते हैं, यहां 19 जोड़ा बनाते हैं। अब देखिए, 4 से 4 का गुना करते हैं तो चरचौके के कितना हुआ, 16 हुआ। 16 से हम 19 से 16 को लेस करते हैं 3। देखिए, अब इधर क्या है, ये 3 भी डायरेक्ट उतर जाता है और ये 6 भी डायरेक्ट उतर जाता है, तो ये 336 हो गया। अब देखिए, इस 4 को यहां पर लाके जोड़ दिया जाता है, ये हमने जोड़ दिया तो 4 4 8 हो गया। अब हम सोचते हैं कि यहां पर कौन सी संख्या बैठा है, जैसे रेड लिखा हुआ है तो देखो 4 अगर 4 बैठाते हैं तो यहां भी 4 बैठाना होगा। तो क्या करते हैं, हम 4 बैठा के सोचते हैं, चर्चों के 16 का 6 हाथ में रहा, 1 4 8 32 और 1 33, देखो 336 हो गया, मतलब कट गया। तो फिर हम समझ गए क्या कि ये जो आपका वर्गमूल है वो किस चीज का है, 44 का वर्गमूल है। 44 जो है वो 1936 का वर्गमूल है। अब हम इसको सवाल को फिर से लिखते हैं, पहले हमने जान लिया किसका वर्गमूल है, फिर हमने सवाल को लिखते हैं फिर से। फिर लिखने के बाद क्या करते हैं, आपको पता है, अब दशमलव की कहानी को देखते हैं। यहां दशमलव के बाद 2 संख्या है तो यहां पर हम आधा कर देते हैं, मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। यहां पर देखिए कि दशमलव के बाद 4 संख्या है तो सब तो 1936 है, 1936 का वर्गमूल 44 होता है, यहां भी 44 लिख रहे हैं, लेकिन 4 का मतलब इसका आधा हो जाएगा। वर्गमूल हटने के बाद क्या होगा, तो 2 संख्या के बाद देखिए हम दशमलव लगा रहे हैं। अब देखिए, ये देखिए, ये कितनी संख्या है, 2 और 4 6 6 संख्या का आधा कितना होगा, 3 संख्या, मतलब 44 तो पहले लिखेंगे, फिर 44 के आगे एक 0 बैठाएंगे। क्यों, हमें 3 संख्या के बाद हमें दशमलव देना है, तो इस तरह हमने 3 संख्या के बाद दशमलव देके 0.044 हुआ। फिर इसको लेते हैं, ये 4
और चार आठ संख्या के बाद दशमलव है, मतलब ये दशमलव के बाद आठ संख्या है, तो इसका आधा क्या होगा? इसका आधा चार संख्या होगा, मतलब 44 के सामने दो शून्य लिख के फिर हम दशमलव मारेंगे और इसको जोड़ेंगे। सबको दशमलव का जोड़ पता है, तो जोड़ेंगे तो 4.884 होगा। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन जिनका अभी तक देशी प्रथा में वर्गमूल निकालना नहीं आता है, उनके लिए ज़रूर प्रॉब्लम होगा। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। चूंकि ये रिपीट सवाल है, डे वन में हो चुका है, इसलिए इस पे आप लोगों का कोई सस्पिशन मैं नहीं लूंगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ भी ये भी सवाल रिपीट हुआ है। बोला गया है, कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए 12,544 रुपए जुटाए। प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे, मतलब अगर 100 लड़के थे तो सबने 100-100 करके पैसा दिया। मतलब ये क्या बोलता है? मतलब 100 लड़के थे, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सबने 100-100 दिया। या अगर मैं पकड़ता हूँ कि एक्स लड़के थे और सबने एक्स रुपए करके दिए, तो ये क्या है? ये एक्स स्क्वायर हो गया है ना, ये बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इस सवाल में कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं की गई है, ये केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। मतलब 12,544 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए ये भी देशी प्रथा में वर्गमूल निकालना है। पहले हम जोड़ा लगाते हैं, 44 का जोड़ा हुआ, 25 का जोड़ा हुआ, एक बज गया। तो पहले एक से देते हैं, एक एकम एक काट दिया, दो और पांच उतार दिया। देखिए इसको दो दो बार करके, तीन तीन बार करके समझा रहे हैं। ये एक को यहाँ पे ला दिया, तो एक प्लस वन आपका टू हो गया। और इधर यह एक संख्या बैठाना है, उधर भी एक संख्या बैठाना है। इधर 25 है तो नेचुरली हम 21 बैठाएंगे। यहाँ भी एक लगाया, ये 21, पाँच से एक घटाया चार। अब देखिए 44 के इस चार को यहाँ उतार दिया और 44 के इस चार को भी उतार दिया। अब 444 हो गया। और यहाँ पे क्या था? दो और एक एक दो, ये दो संख्या। अब देखिए 22 हुआ। 22 में हम कौन सी संख्या लगाएंगे? तो हम जानते हैं 22 को अगर यहाँ दो रखते हैं, इधर भी दो रखते हैं, तो 222 को दो से गुणा करेंगे, 444 हो गया, ये कट गया। तो मतलब 112 वर्गमूल निकल गया। देखिए ये देशी प्रथा में वर्गमूल निकालना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं और इसका कोई भी रास्ता नहीं है, इसे जल्दी से सीखना है। और चूंकि ये भी रिपीट में जा रहा है, तो इसके लिए क्या है कि मैं इस पर कोई सवाल आप लोगों से नहीं लूँगा। अब मैं नेक्स्ट सवाल पर चलता हूँ। देखिए ये भी सवाल रिपीट है। ये देखा है 0.064 गुने 0.256 गुने 15.625 डिवाइडेड बाय 0.025 0.625 गुने 4.096। अब देखिए ऊपर नीचे यहाँ देखते हैं, दशमलव के बाद तीन संख्या है, यहाँ भी दशमलव के साथ तीन संख्या है। इसको दशमलव दशमलव काट दिया। क्यों? ये गुणे के संपर्क में है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहां दशमलव के बाद तीन संख्या है, यहां भी दशमलव के बाद तीन संख्या है, तो हमने इसको भी और इसको भी काट दिया। देखिए ये भी गुणे के संपर्क में है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। ये भी गुणे के संपर्क में है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। अब 15 के बाद देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी तीन संख्या है, यहाँ भी दशमलव के बाद तीन संख्या है, तो हमने इसे और इसे काट दिया।
तो फिर देखिए ये 64 हो गया, ये 25 का नीचे 25 उतर गया, ये देखिए 256 जो है यहाँ 256 उतर गया, यहाँ देखिए 625 उतर गया, यहाँ देखिए 15,625 है और यहाँ 4,096 है। अब देखिए 64 का वर्गमूल 8 होता है, 16 का वर्गमूल सबको मैंने दिया हुआ था। हाँ, नए जो आज बेसिक पे ज्वाइन किए उनको ये लिस्ट नहीं मिला है, इसलिए इनको वो याद करना जरूरी है। 16 का वर्ग जो होता है 256 होता है, या 256 का वर्गमूल 16 होता है। 15,625 जो है ये 125 का वर्ग है, या 15,625 जो है का वर्गमूल 125 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है। और 625 का वर्गमूल जो है 25 होता है। 4,096 का वर्गमूल जो 64 होता है। ठीक है, अब हम काटते हैं 25 पचे 125, फिर इस 5 से हमने इस 5 को काट दिया। ठीक है, 16 चौके 64, और इस 4 को हमने 8 से काट दिया, तो 4 × 2 = 8 हो गया। तो इस तरह से आपका जो उत्तर है 2 आ गया, ये आपका उत्तर हुआ। देखिए इस तरह का सवाल जो है हम डे 1 में कर चुके हैं, तो नेचुरली जो है हम इसके ऊपर भी अभी आप लोगों से कोई सवाल नहीं लेंगे। हाँ, और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए ये भी सवाल जो है ये भी आपका क्या कहते हैं एक रिपीट ही है। देखिए यहाँ पर 156.25, ठीक है ना, 156.25 ऐसे जो है 15,625 जो 125 का है, लेकिन मैं पकड़ लेता हूँ कि किसी कारण से आपको पता नहीं है, तो फिर इसका हम वर्गमूल देशी प्रथा देशी भाग प्रथा में लिखते हैं। जैसे जोड़ा लगाया, जोड़ा लगाया एक हुआ, इधर भी एक लिखेंगे, यहाँ भी एक लिखेंगे, यहाँ भी एक लिखेंगे, एक एक कट जाएगा, 56 आपका उतर जाएगा, ये 56 उतर गया, और एक एक हमने जोड़ा तो 2 हुआ। अब देखिए अगर मैं यहाँ 3 बैठाता हूँ तो 3 × 2 = 6 होगा, लेकिन यहाँ 5 है तो मुझे 2 बैठाना होगा, इधर भी 2 बैठाना होगा, 22 × 2 = 44 होता है, ये 44 हमने लिख दिया। 56 से 44 अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, 12 बचेगा, 12 और 25 जो है हमने ये उतार दिया 2 और 5, तो हमने 1225 हो गया। मैं एक पूरा भागा को भी दे के दे रहा हूँ कि कभी कभी अभी भी लड़के बोलते कि सर समझ भी ठीक से नहीं आ रहा है। अब देखिए ये क्या हुआ, 2 हमने जोड़ा, इधर 24 हुआ, ये 2 कौन सी है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक ऐसी संख्या बैठाना है जिससे गुणा करने पर इसमें चला जाए। तो हम देखते हैं कि अगर 6 बैठाते हैं तो 6 × 12, लेकिन यहाँ 4 × 6 = 24 का 4 हट में रहा, 2, 6 × 2 = 12 और 2 = 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 12 है, इसलिए मैं 5 बैठाऊंगा यहाँ पर। यहाँ 5 बैठाया, यहाँ पर 5 बैठाया, अब जो है 5 से गुणा करते हैं, 50 25 का 5 हाथ में रहा, 2, 4 पचे, फिर 5 से 4 को गुणा करते हैं, 5 के 20 और 2 22 का 2 हाथ में रहा, 2, फिर 5 को 2 से गुणा करते हैं, 5 × 2 = 10 और 2 = 12। ठीक है ना, इस तरह से ये तो सारे कट गए और मुझे जो है 125 हमें मिल गया। तो हमें 15,625 का जो है वर्गमूल, ऐसे हम इसने याद कराने के लिए चार्ट में दिया हुआ है तो भी मैंने लिखा, तो 15,625 का वर्गमूल 125 होगा,
लेकिन देखिए यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या है, तो ये आधा होके दशमलव के बाद एक संख्या आएगा, इसलिए 12.5 हुआ। अब देखिए 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9, 9, 9, 81। यहाँ चार संख्या है, चार संख्या का आधा क्या होगा, चार संख्या का आधा दो संख्या होगा, तो हमने 9 लिखा। 9 के सामने चूंकि दो संख्या के बाद हमको दशमलव मारना था, तो हमने 0 बैठाया, उसके आगे हमने दशमलव लगाया। आप समझ गए। उसी तरह 361 जो है, ये भी आपको जानना है, ये 19 का वर्गमूल होता है, तो हमने, और यहाँ पर भी चार संख्या है, तो मतलब मेरे को दो संख्या के बाद बैठाना होगा, तो देखिए दशमलव के बाद दो संख्या के बाद बैठाया। और इसमें अगर 12 आप देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैसे हो गया, यहां पर आंसर में कुछ गलती है, क्योंकि ये प्लस था। अच्छा यहां पर गलती हुआ, ये माइनस में था, जिसके लिए गलती हुआ है, ये माइनस में था, ठीक है ना, तो हाँ यहाँ पे ठीक हो गया है, तो इससे ये आंसर 12.4 होगा। आप भी करके देख लेंगे, तो ये इसका सही आंसर हुआ। तो यहाँ पर जो ये है, इसको आप सही कर लेंगे, ये माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए, चूंकि ये इस तरह का सवाल डे वन में भी किया गया था, ये रिपीट है, इसलिए आपसे हम कोई सवाल नहीं लेंगे, हम अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, ये सवाल जो है SSC टायर वन में आया हुआ था, उसमें बोलता है 2√50 प्लस √18 माइनस √72, इसका सरलतम मान ज्ञात कीजिए, और √2 का मान जो है 1.414 दे दिया है। तो देखिए 50 को पहले मैं तोड़ता हूँ, 50, 25, 25 × 50, इसलिए इस √50 के जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2 × 5 × 5, 18 का क्या हुआ, 3 × 9, 9 × 18, देखिए इसको हमने तोड़ा, ये 18 को तोड़ के हमने लिखा। अब 72 को तोड़ते हैं, 72 को तोड़ते हैं, देखिए इसको 72 को जो हम तोड़ रहे हैं, क्या करते हैं, 2 × 4, 4 × 8, 3 × 8 = 24, 24 × 72। अगर आपको ये नहीं करने आ रहा है, तो सीधा सीधा क्या करते हैं, आप 72 का LCM निकालते हैं, तो वैसे आपको पता चल जाता है कैसे आप करेंगे। जैसे 2 से दिया, ठीक है ना, तो 36 × 72, फिर 36 को आपने 2 से दिया, तो हुआ 18 × 36, फिर 18 को आपने 2 से दिया, तो हो गया 9 × 18, फिर आपने 3 से दिया, तो 3, देखिए यही हमने लिखा है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 5 है, 2 5 है, मतलब 5 का वर्ग है, तो 5 ये बाहर निकल गया, 5 × 10 हो गया, चूंकि दोनों 5 निकला, उसमें से 1 5 गुना हुआ, काहे की वर्गमूल है, 2 5 का गुना का वर्गमूल क्या होगा, जैसे 2 5 है अगर अंदर में, तो ये सब बेसिक चीज है, आपको सिखाया गया है, 2 5 का गुना अगर होगा, इसका वर्गमूल जो होगा क्या होगा, ये बराबर 5 होगा, ठीक है, तो ये आपको सिखाया गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये 5 निकला, 5 को 2 से गुना किया, 10, अंदर क्या बच गया, ये आपका √2 बच गया, तो ये 10√2 हुआ। यहाँ पे भी देखिए 3 का वर्ग है, तो इसमें से 3 निकला, और यहाँ चूंकि 1 है, मान लेते हैं 3 को 1 से गुना किया, 3, और अंदर 2 बच गया, इसके लिए ये √2 हो गया।
अब देखिए यहाँ पर दो का एक वर्ग है, तीन का एक वर्ग है, तो दो और तीन मतलब छः हो गया, अंदर क्या बच गया, यही रूट टू बच गया, ये सिक्स रूट टू। अब चूंकि देखिए सब में सब रूट टू है, मतलब सब जो है खरगोश है, आप गधे के साथ खरगोश नहीं जोड़ सकते हैं, खरगोश के साथ खरगोश जोड़ सकते हैं, मतलब 10 और 3 13 रूट टू, 13 रूट टू से अगर 6 रूट टू घटाएंगे तो क्या होगा, 7 रूट टू। अब देखिए रूट टू का मान जो है यहाँ पर दिया हुआ है 1.414, तो फिर 7 को आपने 1.414 से गुना किया तो 9.898 हुआ। चूंकि ये सवाल पहले इस तरह का सवाल आपसे नहीं कराया गया था, ये रिपीट में नहीं है, इसलिए अब मैं आपसे सवाल लूंगा, किसी को भी सस्पिशन है मुझसे पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, किसी को भी कोई सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। हाँ शिवम जी पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए मैं सुन रहा हूँ। जैसे कि 10√2 + 3√2, 10√2 लिखा है सर, +3√2, वहाँ पर थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। देखिए चूंकि सबके पीछे रूट टू है, अगर रूट थ्री होता तो जोड़ नहीं सकते थे, ठीक है ना। 10√2 मतलब ये खरगोश है, +3√2 मतलब ये खरगोश है, -6√2 सब में रूट टू लगा हुआ है, रूट टू के जगह रूट सेवन रूट थ्री कुछ होता तो हम जोड़ नहीं सकते थे, ये एक सिंपल सा चीज है। तो हम 10 से 3 जोड़े तो क्या हुआ, 13√2 हुआ, 13√2 से अगर -6, 13 से अगर 6 घटाएंगे तो होगा 7 होगा, इसलिए ये 7√2 हो गया, समझ गए। इसको अगर जो लिखा है सर वो कैसे हुआ वहां पर, 10√2 कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर 2 फिर रूट टू 2 × 5 × 5, ठीक है ना, ये 2 × 5 का वर्गमूल क्या होगा, 1/5 निकलेगा, 2/5 का वर्गमूल 1/5 निकलता है, देख रहे हैं ऊपर लिखा है मैंने, दिख रही है कि नहीं, ऊपर लाल में लिखा है वर्गमूल 5 × 5 = 5, ठीक है ना, तो 2/5 का बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 1/5 हो जाएगा, है ना, और ये 2 से गुना हो जाएगा कि 2√2 है, तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10। अब 2/5 में जब निकलता है तो 5 होके निकल गया, अंदर क्या रह गया, 2 रह गया ना जी, उसके लिए रूट टू हुआ। अब देखिए यहां पर देखिए दूसरा, देखिए 3 × 3 × 2 वर्गमूल है, 3 × 3 का वर्गमूल जब निकलेगा तो क्या होगा, 1/3 निकलेगा, तो देखिए ये 3 निकल गया, अंदर क्या रह गया, केवल 2 रह गया, तो ये 2 हो गया। फिर उसके बाद वाला देखिए 2 × 2 ये निकलेगा तो क्या होगा, 1/2 निकलेगा, यहां देखिए 3 × 3 ये 2/3 से निकलेगा तो 1/3 निकलेगा, तो क्या होगा, 3 × 6, अंदर क्या रह गया, 1/2 रह गया, देखिए यही रूट टू। ठीक है जी, ठीक है सर, नहीं तो इस वीडियो को जब होगा तीन बार देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी जी, ठीक है सर। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं।
देखिए ये सवाल क्या है, पॉइंट वन का स्क्वायर प्लस पॉइंट जीरो वन का स्क्वायर प्लस पॉइंट जीरो जीरो नाइन का स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर पॉइंट जीरो वन का स्क्वायर, पॉइंट जीरो जीरो वन का स्क्वायर, पॉइंट जीरो जीरो नाइन का मान क्या होगा पूछा है। अब जरा देखिए यहां पर हमने क्या किया, हमने इसमें से 10 निकाल दिया। अगर देखिए ये घातांक में आप फिर से करेंगे, अभी जानने के लिए खाली इतना जान लीजिए कि जब इसमें से आप 10 निकालेंगे, देखिए इसमें से हमने जो है 10 बाहर निकाला है, जैसे 10 बाहर निकलेगा अंदर एक सुन्ना बढ़ जाएगा, इतना जान के रखिए। अभी घातांक के क्लास जो इसके बाद वाला क्लास होगा उसमें बहुत विस्तृत में इसको करेंगे। पॉइंट वन था, जैसे हमने 10 ले लिया ये पॉइंट जीरो वन हो गया। देखिए पॉइंट जीरो वन जो था ये क्या हो गया, पॉइंट देखिए एक सुन्ना बढ़ जा रहा है, पॉइंट जीरो वन एक सुन्ना था, यहाँ क्या हो गया पॉइंट जीरो जीरो वन। यहाँ पे देखिए हमने 10 स्क्वायर यहाँ बाहर लिया हुआ है, तो इसमें से भी जब 10 स्क्वायर निकाला तो क्या हुआ, देखिए ये पॉइंट जीरो जीरो नाइन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर भी एक स्क्वायर, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर में देखिए पॉइंट जीरो वन स्क्वायर प्लस पॉइंट जीरो जीरो वन स्क्वायर प्लस पॉइंट जीरो जीरो नाइन स्क्वायर, नीचे भी क्या देखिए पॉइंट जीरो वन स्क्वायर प्लस पॉइंट जीरो जीरो वन स्क्वायर प्लस पॉइंट जीरो जीरो नाइन स्क्वायर, तो मतलब ऊपर नीचे कट गया, ऊपर नीचे जो है हमने काट दिया, तो बच गया गया यही 10 स्क्वायर बच गया। अब देखिए 10 का स्क्वायर है मतलब वर्गमूल के अंदर में क्या है 10 गुने 10 है, तो फिर अगर जब इसको हम बाहर निकलेगा तो क्या होगा, पहले की तरह एक ही 10 बाहर निकलेगा, तो इसलिए इसके बाहर जो है देखिए एक 10 निकला, इसका मतलब इसका मान जो है 10 हो गया। किसी को भी इस सवाल में कुछ पूछना है, क्योंकि ये रिपीट सवाल नहीं है इसलिए पूछ सकते हैं। हाँ अमृतपाल जी पूछिए। हाँ अमृतपाल जी पूछिए। अमृतपाल, हाँ पूछिए, जल्दी पूछिए भाई। सर जैसे कि कॉमन निकाला गया है 10 ऊपर और संख्या नीचे के बराबर करने, मैंने बोला है आप इसको मान लो, इसको मान लो, ये घातांक क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के सवाल आते हैं, आगे ना बस उतना ही समझ के रख लो कैसे होता है। इसका नेक्स्ट क्लास ही होगा घातांक का क्लास, वहां हम समझेंगे, ठीक है। सर मैं 10 के संबंध में नहीं जानना चाहता, वो प्लस वाली संख्या है ऊपर। हाँ तो ये देखो अच्छा काटा जाता है, पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो जीरो वन प्लस पॉइंट जीरो जीरो नाइन, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर में है ना, इसको तुम x मान लो, इसको क्या मान लो x मान लो, मान सकते हो कि नहीं, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है ठीक है मान लो, नीचे भी क्या है पॉइंट जीरो वन स्क्वायर प्लस पॉइंट जीरो जीरो वन स्क्वायर प्लस पॉइंट जीरो जीरो नाइन स्क्वायर, ये भी तब x ही होगा ना, तो क्या हुआ 10 स्क्वायर गुना x बटे x, x x कट गया ना। ओके सर, वैसे बीच में प्लस था ना इसलिए दिक्कत है सर। हाँ प्लस, लेकिन 10 स्क्वायर देखो ये 10 स्क्वायर गुना के बाद बड़ी ब्रैकेट शुरू हुई है। ओके शुक्रिया सर। हाँ सत्येंद्र जी कुछ, अंकित रावत जी आप पूछ रहे थे, फिर से रेज हैंड कीजिए और पूछिए मुझसे।
हाँ अंकित जी पूछिए। हाँ में तो बाहर जो है होल, इस पूरा होल है तो होल रूट के अंदर है, तो अंदर की संख्या तो सर वैसे ही वो मतलब 0.1 आ जाता उसमें, देखो, तो वो जो स्क्वायर से। इसको अभी आप मान लो, समझ लो ना, क्योंकि मैं इसको दोहरा रहा हूं कि अच्छा अगले चैप्टर में ही घातांक में जब पढ़ूंगा इस पे बहुत सारे सवाल होंगे। अभी इसको खाली करने जाऊंगा तो मेरे को घातांक में घुस जाना होगा, आप समझ रहे हैं ना। तो थोड़े हाँ देर सर, चैप्टर में इसको मान लो कि यही सच्चाई है, होता कैसे है हम अगले चैप्टर में देख लें। घातांक इसके बाद वाला ही चैप्टर है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई सवाल पूछना है? और किसी को कोई सवाल पूछना है? नहीं है तो फिर हम चलते हैं। हम अगले सवाल पे चल रहे हैं। देखिए, पहले सवाल का ही ये रिपीट है, पहले अभी जो किया उसी का रिपीट है। यहां पे क्या किया है, ऊपर में 0.03 था, क्या हुआ? हाँ देखिए, यहां पे 0.03 स्क्वायर है, तो हमने यहां पर 0.03 स्क्वायर है इसको लिख दिया। नीचे में देखिए 0.003 स्क्वायर है, देखिए ये 0.003 स्क्वायर, इसमें हमने 0.1 को नीचे कॉमन लिया, तो फिर क्या हुआ कि 1.1 जो ले लिया, 1 0 बाहर चला गया, देखिए घट गया। यहां पे 3 के बाद दशमलव था, यहां पर 2 के बाद दशमलव है, ठीक है ना। यहां पर 0.021 था, यहां देखो 0.21 हो गया। और इस पूरे को मैं, जैसे पहले बोला हूं, इस पूरे को मैं अगर एक्स मान लेता हूं तो ये पूरा भी एक्स हो जाता है। एक सवाल इसमें अभी अनसुलझा हुआ है कि सर ये लेने के बाद ये कैसे बन जाता है, जो फिर से मैं बोलता हूं घातांक के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस तथ्य को जान के खाली सिंप्लीफिकेशन कीजिए, ये याद रहेगा, बाद में देखेंगे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या हुआ, 1/0.01, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/0.01 तो 1/, ठीक है। अब देखिए 0.01 को अगर मैं दशमलव को भिन्न में लिखूंगा तो क्या होगा, 1/100 होगा, और ये रूट ओवर होगा। और ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं, ये बोला गया है 1/0.01, ये बताया गया है, बटे का मतलब तो यही होता है ना। अब इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, मैं लिखूंगा रूट ओवर 1/, अब दशमलव को अगर मैं भिन्न में बदलूं तो क्या होगा, 1/100 हो जाएगा, ठीक है। कि आपसे सवाल पैदा नहीं हो इसके लिए मैं इसको कर देता हूं। और इसको भी अगर मैं तोड़ूंगा तो यहां लिखता हूं इसे, ये क्या होगा, 1/ गुने में चेंज होगा तो क्या होगा, 100/1 हो जाएगा,
और ये वर्गमूल के हालत में रहेगा, 100 का मतलब ये 100 हो गया, 100 को गुना करके बटे करेंगे तो वही 100 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो आंसर हो गया। और देखिए ये जो है ये पहले भी इस तरह का सवाल को आपने किया है, इसलिए इसे मैं रिपीट लिखा, इसका आंसर 10 हुआ। तो इस सवाल को मैं नहीं लूंगा, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। बोलता क्या है, 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है, 3 संख्या है भैया, तो मैंने मान लिया कि x प्लस y प्लस z बराबर 18 और उनका गुणनफल 162 है, x गुने y गुने z बराबर 162 है। यदि 2 संख्याओं का योग, अब तीसरा शर्त बोल रहा है, तीसरी संख्या के बराबर हो, मतलब अगर x प्लस y बराबर z है, तो देखो x प्लस y बराबर z है और यहां x प्लस y जो था और z था, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x प्लस y तो z के बराबर है, तो मैंने लिख दिया z प्लस z बराबर 18, मतलब z प्लस z मतलब 2z बराबर 18, ठीक है ना, तो 1z मतलब 18 बटे 2 बराबर z बराबर 9, यहां तक हो गया। अब बोलता है z मेरा अगर 9 है, xy ठीक है ना, xyz बराबर 162 बोला है, तो xy बराबर क्या होगा, तो x ये नीचे चला जाएगा, मतलब 162 बटे 9, तो मतलब ये 18 होगा। तो बोलता है संख्याओं के वर्गों का जोगफल क्या होगा। अब देखो 18 जो है, ठीक है ना, ये x और y जो है ये किस तरह से 18 बन सकता है, 1 गुने 18 हो सकता है, दो गुने 9 हो सकता है, और तीसरा 6 गुने 3 हो सकता है। अब 18 का तो संख्याओं के वर्गमूल का योग क्या होगा, तो देखो मेरे को तो z तो 9 मिला है, ठीक है ना, अब देखो 18 का स्क्वायर जो है यहां तो उससे संख्या कम है, तो 18 नहीं हो सकता है, तो मेरे को या तो 2 गुने 9 हो सकता है या 6 गुने 3 हो सकता है। अब मेरा 9 9 z तो 9 है, अगर वर्ग का जोड़ है तो z हमने 81 लिख लिया, मैं 2 जगह जोड़ रहा हूं, पहले में मैं 2 और 9 दो संख्या लेता हूं, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 9 का स्क्वायर 18 होगा, ठीक है ना, तो 8 4 12 1 13, 13 किसी में लास्ट में 3 नहीं है तो ये होगा नहीं। अब मैं लेता हूं ये, अब 6 और 3 लेता हूं, 6 6 36, 36 और तुम्हारा जो है 3 3 9, 9 6 15 और 1 6 16 का 6 हाथ में रहा, 1 8 4 12 मतलब 126, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया।
किसी किताब में इस तरह का सवाल देखोगे तो ये दुनिया भर का है। अभी मैंने छोटा किया, आगे चलकर इसको केवल मैं इतने दूर में कर दूंगा जिसके लिए डीडी सर जाने जाते हैं, इतने में आपका ये हल होगा। लेकिन अभी क्या है वो समझ नहीं पाओगे, इतने में हल हो जाएगा। उसके लिए अभी मैं तैयारी कर रहा हूं कि इन चीजों को कर पाऊं। तो देखो इसमें हमें समझ में आ गया कि एक्स 6 है, वाई 3 है और जेड आपका 9 है, जिसका वर्ग का जोड़ 126 है। इसमें किसी को भी कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। किसी को पूछना है आप पूछें। हाँ सतीश जी पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए सर। मैं पूछ रहा हूँ, जेड प्लस जेड इक्वल्स टू 18 दिया है, ये वाला समझ नहीं आया, थोड़ा बताएंगे। देखिए मेरा पहला शर्त था क्या, तीन धनात्मक संख्याओं का योग 18 है, तो मैं मान लेता हूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीन संख्या, इसका 18 है। दूसरा कंडीशन बोलता है क्या है कि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है। मैंने पहली दो संख्या क्या लिया है, एक्स प्लस वाई, तो पहली दो संख्या मतलब एक्स प्लस वाई इसका जोड़ बराबर है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या है, जेड है, ठीक है ना। तो एक मेरे पास दो कंडीशन मिला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 और एक्स प्लस वाई बराबर जेड। तो एक्स प्लस वाई के जगह में अगर मैं जेड रख सकता हूं तो इसलिए जेड प्लस जेड बराबर 18 हो गया, मतलब 2z बराबर 18 हो गया, z बराबर 9 हो गया। क्लियर? क्लियर है सर, क्लियर। थैंक यू सर। ओके। किसी और को कुछ पूछना है? हाँ परवीन पूछो। परवीन पूछो। इनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ राहुल पूछो। हेलो। हाँ पूछो, सुन रहा हूँ। सुन, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हेलो। हाँ आवाज आ रही है। ये? हाँ सर, 126 कैसे आया, 126 कैसे आया, 126 कैसे आया सर, 126 कैसे आया है ये? हाँ एक्स वाई बराबर 18 है, एक्स गुने वाई बराबर 18। अब 18 कैसे बन सकता है, या तो एक संख्या एक एक गुने 18 18 हो सकता है, मतलब पहली संख्या एक हो दूसरी संख्या 18 हो, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो 18 का जो आपका क्या कहते हैं ये होता है स्क्वायर होता है, वो तो एक मतलब 200 से ज्यादा होता है,
तो मेरे को चलो मेरे को 18 का वर्ग पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है 180 के ऊपर ही होगा ना। तो मतलब ये जो मेरे को जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो मतलब 18 एक तो नहीं होगा। अब दूसरा संख्या हो सकता है 2 स्क्वायर और 2 और 9, ठीक है। अब बोला गया है कि तीनों संख्याओं का वर्गों का योगफल, तो देखो मैंने 2 का पहली संख्या 2 मान लिया, उसका वर्ग किया तो क्या हुआ 4, ठीक है ना। फिर 9 का वर्ग किया तो 81 हुआ, फिर हमने 9 का किया तो 81 हुआ, तो वो जोड़ने के बाद हुआ नहीं। अब तीसरा क्या हो सकता है, 18 कैसे बन सकता है, 6 × 3 = 18 हो सकता है। मतलब एक संख्या 6 होगा, दूसरी संख्या 3 होगी और तीसरी संख्या तो 9 पता है, तो 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 9 का वर्ग 81 हुआ, इसको जोड़ें तो 126 हुआ और 126 मुझे ऑप्शन में दिख गया। तो मतलब यही तीन संख्या जो है उनके वर्गों का योग 126 है। ये मेथड जो है मिक्स मेथड है, मतलब हमने थोड़ा सा इक्वेशन लेके आए और बीच में आके ऑप्शन मेथड में चले गए, ठीक है। ठीक है सर, यस सर, थैंक यू, ओके। चलिए मैं अब अगले सवाल पे चलता हूं। देखिए ये रिपीट है, वही चीज है, 0.01 यहां पे 2 संख्या है तो क्या होगा, चूंकि वर्गमूल है तो एक संख्या के बाद लगेगा, यहां पे 2 संख्या के बाद है और 81 का वर्गमूल 9 होता है तो 0.9 होगा, यहां 1.21 है, 121 का वर्ग किसका वर्ग है 11 का, और यहां 2 संख्या के बाद आपका दशमलव है तो यहां 1 संख्या के बाद दशमलव लगेगा। ये 9 का वर्गमूल 3 होता है और यहां पे 4 संख्या के बाद दशमलव है, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, वर्गमूल जब होगा तो 2 संख्या के बाद दशमलव होगा, तो ये 0.03 हुआ, इसको जोड़ेंगे तो 2.13 हुआ, इस तरह से वो 2.13 इसका उत्तर निकल गया। अब हम अगले, चूंकि ये रिपीट है इस पे हम कोई सवाल नहीं लेंगे, अब हम अगले सवाल पे जा रहे हैं। ये भी सेम 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 है और इसमें मैं बोलने वाला भी नहीं हूं, इसलिए कि 400 का वर्ग तो दुनिया को पता है 20 होता है यार, तो इसे आप देख के खुद समझ लेंगे, खुद करेंगे, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना होगा, काहे कि ये बोले 10 बार रिपीट हो चुका है इस तरह के सवाल। अब आगे हम चलते हैं, देखिए ये भी रिपीट है, ये देखिए ये वर्गमूल है, तो हम चूंकि ये वर्गमूल 0.25/0.009 गुने वर्गमूल 0.09/0.36 है, इसको जो मैं करता हूं एक दूसरे तरह से कर लेता हूं, चूंकि ये वर्गमूल में संख्या है, यहां पर गुना है और इधर भी वर्गमूल है, इधर भी वर्गमूल है, इसके लिए मैं इसको जो लिखूंगा ऐसे लिखूंगा 0.25, एक ही छतरी के अंदर ला दिया इसे, गुने 0.09 ठीक है, ये 0.009 गुने 0.36, तो देखो इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को काट दिया। अब देखो एक चीज मैं कर रहा हूं जो पहले नहीं किया था, ठीक है ना, इस 0.25 से इस दशमलव को काटा, यहां दशमलव के बाद 2 संख्या था इसलिए मैंने इस दशमलव को हटा के अब यहां पे रख दिया, ठीक है। अब तो देखो 25 का वर्गमूल 5 निकल गया,
नौ का, अच्छा यहाँ पे नौ का वर्गमूल तीन निकल गया, अच्छा ये मैंने दशमलव को काटा है एक्चुअली, मेरे को भी एक दिखने लगा था, ये मैंने दशमलव को काटा। ये 36 का जो है नीचे 6 लिख दिया, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन यहाँ 0.09 था, 0.09 का मतलब क्या होगा, 0.3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से 3 से 2 को काटा, 3 दूनी 6 हुआ, बराबर 5/0.6, क्योंकि 5 को ये 3 को आ गया, 0.3 को 2 से गुना करूंगा, 5/6 होगा 0.6। अब पॉइंट का मतलब 10 ऊपर चला जाएगा, इसलिए हो जाएगा 50/6। तो मैंने दो तरह से ऊपर भी किया हुआ था, आप दूसरे तरह से कर दिया, जो आपको सही लगे, और रिपीट में इस पे सवाल नहीं लूंगा, इसलिए मैं दो तरीके से कर दिया। अब इसको दो से काटेंगे तो 25 होगा, और यहां पे 6 को काटेंगे तो 3 होगा, ये 25/3, देखिए यहां पर यही 25/3 है, तो मतलब हम 25/3 पे पहुंच गए। अब 3 से अगर 25 को भागा देते हैं, 3 8 24, 1 बचेगा शेष, ऊपर आया नीचे 3 आया, 8 × 1/3 मतलब 8 × 1/3, ये इसका उत्तर हुआ। क्योंकि रिपीट में इस पे मैं सवाल नहीं लूंगा, देखिए रिपीट पे मैं उसी सवाल को लेता हूं जो थोड़ा सा पहले सवाल से थोड़ा सा डिफर होता है, उतना डिफर को आपको समझ लेना होगा, या तो वीडियो को दो बार देखकर समझ लेना होगा, जो एकदम नया आता है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। चलिए अब अगले सवाल को लेते हैं, देखिए ये एकदम नया है, ऐसे तो नया नहीं है, इसको हम कर चुके हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 6 9 लिख दिया, अब पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग का मतलब इसको जो है हमने वर्गमूल निकालना है, तो देखो देशी प्रथा में वर्गमूल निकाला, तो मेरे पास शेष क्या बचा 1998, तो मतलब अगर मेरे को 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 1998 अगर मैं घटा देता हूं, तो फिर जो संख्या मिलेगा उसका अगर वर्गमूल निकालूंगा तो नीचे कोई शेष नहीं बचेगा, वो संख्या क्या होगा, 9,98,001 होगा, ये इसका आंसर हुआ, 9,98,000 कहां गया, ये आपका आया। तो देखिए इस पर मैं आपका, किसी को भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आप पे आ रहा हूं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए लगता है किसी को कुछ पूछना नहीं है, मैं अगले सवाल पे चलता हूं। देखिए ये पूछा है कि वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या है, ये भी रिपीट है, ये सबसे फर्स्ट डे में संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, पूछा क्या है वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, जब वर्गमूल निकाला जाता है उसका संख्या आधा हो जाता है, 8 संख्या का जो आधा होगा क्या होगा, 4 होगा, बस इतना ही तो आंसर है, ये पहले भी हो गया, इस पे कोई सवाल आता ही नहीं है, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन देखो ये टायर 1 SSC ग्रेजुएट लेवल में 2013 में आया हुआ था। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं, क्योंकि ये छोटी सी बात भी
बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अब इस सवाल पे आते हैं, वो सबसे छोटी संख्या जिसे 680,621 में जोड़ने पर, देखो यहां क्या बोलता है, जोड़ने पर, देखो घटाना है तो जो भी हमारा शेष बचता है उसे घटाते हैं, ये भी रिपीट ही है बेसिकली, तो भी मैंने इसको नहीं लिखा है। तो पहले हम देखिए 680,621 का हम देते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम ये देखते हैं कि जब हम भाग देने जा रहे हैं तो देखो ये 43 बार में जा रहा था, 44 बार में क्या होता है 6576 हो जाता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या करने के लिए क्या होगा, हम समझ जाते हैं कि 824 से ये सॉरी ये 82,000 ये 8,221 है, ठीक है ना। अब देखिए इसको अगर आप करते हैं, अगर आपके जगह मैं जाता, क्योंकि मैं देखता हूं कि यहाँ पे शेष बच जाएगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा तो मेरा शेष बच जाएगा, क्योंकि 16×64 होगा। तो मैं इसके 4 के जगह पे क्या करता, मैं मेरी जो स्मॉल तरीका है उसमें मैं इसको 5 कर देता। तो मैं ऐसे नहीं लिख के, झट से समझने के लिए क्या करता हूं, मैं इसको नहीं लिख के 5 लिखता हूं। अब मैं भाग देता तो देखो 50-25 का 5, इसको यहां पे लिख रहा हूं, 50-25 का 5 हाथ में रहा 2, फिर वह 5×20 और 2×22 का 2 हाथ में रहा 2, 5×30 और 2×32 का 2, ठीक है ना, और 5×5 और 3×8। तो फिर मेरे क्या है, यहां देखो 8,221 है, यहां 8,225 है, नीचे का ज्यादा बढ़ गया, मतलब इसमें अगर मैं 4 संख्या जोड़ देता, मैं 4 संख्या जोड़ देता तो ये भी 8,225 हो जाता, ये भी 8,225 होता, मेरे पास कुछ भी अवशेष नहीं रहता। तो मतलब इसमें अगर 4 संख्या जोड़ दिया जाए तो ये 825 का वर्ग हो जाएगा। तो इसको करने के लिए मैंने क्या किया, मेरा जो है 1644 के जगह पे मैंने एक ज्यादा लेके 1645 करके भागा दिया, तो जास नीचे की संख्या जो है वो आपकी बढ़ गई। कितना बढ़ी उसको देखने के लिए, जब इसमें मैंने 4 दिया तो देखा कि ये बराबर हो जाता है। तो मुझे समझ में आ गया केवल 4 जोड़ने से ये जो है आपका संपूर्ण वर्ग बन जाता, ये ऑप्शन से है। देखिए इस पर किसी को भी सवाल है, इस तरह के सवाल को मैंने एलसीएम में भी किया है, तो भी मैं इसको रिपीट नहीं लिखा। मैं जानता हूं कि इसमें बार बार करने से भी शंकाएं आती हैं, और इसलिए मैं इस, देखो ये किताबी मेथड में मैं इसको लिखता तो हूं जरूर, किस चूंकि किस कुछ लोगों ने दूसरे कोचिंग क्लास में इस तरह से सिखाया गया है, तो जो सीख लिए हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, जो अभी सीख रहे हैं तो मेरी विधि में आ जाओ, वो ज्यादा फास्ट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यही है। चलिए किसी को कुछ अगर पूछना है पूछ सकते हैं। आज क्लास 15 मिनट और ज्यादा चलेगा, अभी ये क्लास 1.5 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल मेरे को करवाना है, क्योंकि एकदम आपके हाथ क्लियर हो जाना चाहिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। हाँ राहुल पूछो।
पूछो राहुल। सर ये भाग भी नहीं समझ में नहीं आ रही मेरे। आपको आपको देखिए क्लास अब आगे बढ़ चुका है, जिस दिन मैं भाग विधि करवा रहा था वो अगर क्लास आपको ने मिस किया है ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको मैंने वीडियो भी दिया है, आपको 40 बार देख करना ये क्लास आपका क्लास नहीं। आप क्लास अगर अगर किए भी हैं, अगर आप क्या आपका बीच बीच में कट जाता है, ये भाग विधि बहुत बार किया है और अब भी मैंने भाग विधि करके दो मैथ को करके दिया, अब भी करके दिया मैं। अब अगर भाग विधि में अब भी आपको मैंने आपको समझ में नहीं आता तो इसका कोई रास्ता, आपको खुद बैठ के समझना होगा, आपको वीडियो से सवाल को उठाना होगा, एक एक स्टेप को करना होगा, एक एक स्टेप को देखना होगा, इस तरह करके जतन करके 3 बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं कितना भी समझाऊं, मैंने अभी इस तरह के 2 वर्गमूल निकाल के दिखाए ना, पीछे का तो छोड़ो, 2 बार वर्गमूल निकाल के दिखाए ना, आप उस वक्त कहां थे? अभी इसी सेशन में मैंने 2 बार वर्गमूल निकाल के दिखाए, तो फिर ये आप अगर आप खुद नहीं करेंगे तो ये कभी समझ में नहीं आएगा। समझने की चीज नहीं है, करने की चीज है। कैलकुलेशन समझा नहीं जाता है, किया जाता है, उसके हर स्टेप को फॉलो कीजिए, स्टेप का कोई लॉजिक नहीं है। 2 को 2 से गुणा करने में 4 होता है, उसकी लॉजिक नहीं, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 है ये जाना जाता है। इस चीज को प्लीज समझें। मेरे को समझ में नहीं आती है, गणित छोड़ दिया, ये तो पहले जीवन भर करते रहे हैं। अभी जो है इस क्लास इस चीज को है कि मेरे को समझना है। आप जब भी करते हैं मैं रेस्पॉन्स करता हूं, लेकिन समझने वाली प्रक्रिया खुद आपको करना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में फिर दोहराता हूं, अगर बोले कि सर मैं 15 को 5 से भागा देता हूं तो 3 क्यों आएगा, समझाइए मुझे, तो समझ लेना कि उस लेवल में समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ चीजें समझना नहीं होता है, जानना होता है। सूरज पूरब में क्यों उगता है, ये एक घटना है, इसे जाना जाता है, ये समझा नहीं जाता है। सूरज पूरब में क्यों उठता है, तो कुछ आप साइंस व्हाट्सएप पे बात कर लूंगा, क्योंकि नहीं आ रहा मेरे समझ में, वो भी आपको करना है। इसमें व्हाट्सएप में बात आपको करना है, आप करके 3 बार करके आपने कोशिश किया, मेरे को व्हाट्सएप में करके दिखाइए, तब मैं समझूंगा कि आपने कोशिश किया। फिर जहां प्रॉब्लम होती है उस कोशिश में आप में जहां प्रॉब्लम होती है उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मैं बोलता हूं ये कैलकुलेशन है, 5 को 2 से गुणा करने पर 10 क्यों होता है ये बोलना दोस्त बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। खाली इसका यही जोड़ है कि 5 को आप 2 बार जोड़ोगे तो 10 होगा, 5 गुना 2 का मतलब होता है, और वो भी अगर क्लास 3 का बच्चा पूछ लेता तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जिसे जानना जरूरी होता है। यहां पर समझने वाली सवाल की बात होती है, कंसेप्ट की बात होती है, कैलकुलेशन जो है वो करने वाली बात होती है, दोनों में अंतर जो है तो उसको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर, देखिए जब भी गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए तो सीधा आप 392 का एलसीएम कीजिए और जोड़ा ढूंढिए। देखिए 2 का जोड़ा 1 है, ये 7 का जोड़ा 1 है, ये 2 अकेला है, तो इसकी शादी दे दें, इसको भी 2 से गुणा कर, तो ये अगर 2 से आप गुणा करेंगे, इसलिए मैंने लाल से लिखा, तो क्या होगा, सब जोड़ा हो जाएगा। जब सब जोड़ा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर गुना ये भी 2 का स्क्वायर, मतलब ये वर्ग संख्या होगी। तो मतलब 2 से गुणा करने पर ये संख्या वर्ग हो जाएगी। देखिए ये कंसेप्ट है, इसमें समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते, खैर ये रिपीट है इसलिए नहीं लूंगा मैं इसका सवाल, लेकिन गुना क्यों होगा ये बड़ी स्वाभाविक बात होती है, इस पे सवाल नहीं बनता है दोस्त।
चलिए हम अगले सवाल पे आते हैं। 2203 सबसे देखिए 2203 में सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि हम जोगफल, देखिए मैंने बोला घटाया जाए, घटाया जाए तो क्या होगा कि हम जो बैलेंस बचता है उसको घटा देंगे, जोड़ना है तो क्या होगा। देखो क्या कहते हैं राहुल, फिर मैं एक तुम्हें एक वर्गमूल अभी कर रहा हूं, 2203 का वर्गमूल कर रहा हूं भाग विधि से। पहले पेयर लगाता हूं, तीन से जीरो, ये समझने वाली बात नहीं है, ये भी पेयर लगाया 22, ये भी समझने वाला नहीं है। अब मेरे को वर्ग का गुना करना है, तो मैं क्या गुना करूं कि 22 कटे, चर्चों के 16, 22 से छोटा है, 25 नहीं जाएगा, 22 छोटी हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे 4 लिखा, यहां पे 4 लिखा, तो 16 हुआ। अब 22 से 16 घटाऊंगा तो 6 होगा, ये मैंने जीरो उतारा, ये जानने वाली बात है, ये स्टेप है, स्टेप समझा नहीं जाता है, स्टेप किया जाता है, याद रखना पड़ता है। जब ये घटा दिया तो फिर मैंने, और ये उतरेगा तो जोड़ा में, एक एक नहीं उतरेगा, काहे कि ये जोड़े में उतरता है, ये कहीं भी जाता है जोड़े में। अब देखो चार और चार को मैंने, इस चार को यहां पे फिर लिखा कर, और इस चार को इस चार से जोड़ा। देखो ये स्टेप है, बहुत सारे स्टेप हैं, ये आपको समझ में इसलिए नहीं आता है, इतने सारे स्टेप हैं। अगर आपको नहीं हो रहा तो 10 ऐसे सवाल करने हैं, 20 ऐसे सवाल करने हैं, तब जाके होगा होगा। अब दो करके छोड़ देंगे तो कभी ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो चार और चार आठ हो गया। अब देखिए आठ आपके पास, ये स्थिति क्या निकली, आठ आपके पास आया। इसको फिर से अलग से लिखता हूं, यहां पर 603 है। अब आप सोचते हैं कि भैया आप कौन सी संख्या लेंगे ना कि कर जाए। तो देखो 8 8 64, मतलब जो लिखेंगे यहां यहां भी लिखना होगा, 8 8 64 तो नहीं जाएगा, 7 8 56, तो आप 7 8 56 तो आप लिखते हैं यहां 7, ठीक है ना, और इधर भी 7 लिखते हैं, मतलब यही देखिए यही 8 के बाद मैंने 7 यहां लाल में लिखा, यहां पे लाल पे लिखा। अब देखिए 7 7 49 का 9, 7 8 56 और 4 60, 7 7 49 का 9 हाथ में रहा, 4 7 8 56 और 4 60। अब देखिए ये 609 हो गया, ऊपर 603 है, मतलब आपको नीचे बोला है पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, तो ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट में क्या है, 609 है, तो 603 में कितना जोड़ देंगे तो 609 हो जाएगा। तो सीधी बात है, 603 में 6 जोड़ देंगे तो 609 हो जाएगा, तो ये 6 आपका आंसर हुआ। देखिए ये मैंने 3 बार किया, अब ये आते हैं। यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य ना हो और 6 से विभक्त किया जाए, बोलता है कोई संख्या जो 6 से भाग नहीं होता है वैसी संख्या दीजिए, तो शेषफल क्या होगा। अब देखो भैया अगर मैं 1 को 6 से भागा देने जाऊंगा तो नहीं होगा, अगर मैं 6 से मैं 2 को भागा देने जाऊंगा तो नहीं जाएगा, तो मतलब मैं 6 से क्या भागा दे सकता हूं, 5 तक तो ले नहीं सकता, ठीक है ना, सब छोटे हैं, 6 मैं इसलिए नहीं ले सकता, बोलता 6 से विभाज्य न हो, तो मेरे पास लेने वाली संख्या कौन सी है, मेरे पास लेने वाली संख्या शर्त के अनुसार 7 है। 7 को लेता हूं, 7 को अगर लेता हूं 6 से भाग देता हूं तो 6 एकम 6,
तो अवशेष क्या बचता है, एक बचता है। फिर मैं आठ को अगर लेता हूं, छह से भागा देता हूं, ठीक है ना, तो छह एकम छह दो बचता है, ओ सॉरी 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 आई एम रियली सॉरी यहां मैंने देखा नहीं, यदि कोई पूर्ण वर्ग बोला है, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको गलत बता रहा था। अब क्या है कि सुबह से पढ़ाते पढ़ाते दिमाग थक जाता है, तो फिर मैं आई एम सॉरी, मैं इस सवाल को फिर से करता हूं। मैंने सामने वाले को इस तरह का एक सवाल और होता है तो देखा ही नहीं था मैंने। यहां पे पूर्ण वर्ग की बात किया हुआ है, तो चलिए पूर्ण वर्ग में एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा, क्योंकि ये छह से छोटा है भाग नहीं दे सकते। दो का स्क्वायर क्या होगा, दो का स्क्वायर चार होगा, क्योंकि चार छह से छोटा है हम भाग नहीं दे सकते हैं। फिर तीन का स्क्वायर क्या होगा, तीन का स्क्वायर बराबर नौ होगा। चार का स्क्वायर क्या होगा, चार का स्क्वायर आपका सोलह होगा, ये पहले कर लेते हैं। पांच का स्क्वायर क्या होगा, पच्चीस होगा, ठीक है ना। अब छ का स्क्वायर, तो छ का छ, छ का स्क्वायर छ से विभाज्य नहीं हो तो छ का स्क्वायर तो छ से भाग होगा, तो हम केवल लेते हैं क्या, तीन के स्क्वायर को लेते हैं। तो तीन के स्क्वायर को अगर लेंगे, जैसे हमने लिखा हुआ है यहां पर, तीन का स्क्वायर बराबर नौ, छ से भाग देने पर शेषफल तीन बचेगा। चार का स्क्वायर लेते हैं तो सोलह होता है, छ से भाग देने शेषफल चार बचेगा। पांच का स्क्वायर पच्चीस होता है, चार से भागा देंगे तो शेषफल एक बचेगा। और देखते हैं यहां पे ऑप्शन में तीन ही है, तो मेरे को तीन आने, मतलब तीन आंसर में होना चाहिए। तो देखो मेरा आया तीन चार एक, अब देखते हैं तीन चार एक मतलब ये तीन नंबर वाला सही है। तो देखिए ये सारा का सवाल को प्रैक्टिस भी करना होगा, क्योंकि आगे अगर मैं बढ़ जाऊंगा, क्योंकि ये सवालों का अंबार लगने वाला है, तो इस अंबार को संभालने के लिए क्या हर दिन का सवाल को आपको करना जरूरी है। और जो मैंने टेस्ट के बारे में बताया, कल से टेस्ट चालू हो जा रहा है, तो फिर टेस्ट को देंगे तो ऐसे ही, जितनी बार करेंगे तो ऐसे ही सीख लेंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन प्रयत्न के बिना कुछ नहीं सीखा जा सकता, इस बात को गांठ बांध लें। आप मेरे से क्या, किसी सरस्वती भगवान के सामने बैठ जाइए, उन्होंने भी कभी भी ऐसा नहीं दिया है कि आपने वरदान दे दिया वो एकदम मतलब भयंकर से विद्वान हो गया। चर्चा करना पड़ा, बिना चर्चा का तो कुछ नहीं होगा दोस्त। तो चलिए मैं अगले सवाल पे चलता हूं। देखिए ये भी रिपीट है, 1276 यहां पर एक ये दिया हुआ है स्टार मार्क, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए लुप्त संख्या। तो मैं देखो 1276 का यहां पे कोई संख्या है मुझे पता नहीं है, और इसका मैं क्या करता हूं, वर्गमूल देशी प्रथा में निकालता हूं। तो देखिए यहां पर ये स्टार मार्क और 6 का एक पेयर बनाया, 27 का एक पेयर बनाया, फिर एक से मैंने एक को दिया, एक बार गया 27, ये जोड़ा में उतरता है इसलिए 27। देखो ये मैं चौथी बार आज कर रहा हूं, एक एक दो जोड़ा। अब मेरे को है कि 27 में जाएगा तो यहां क्या संख्या बैठाऊंगा, एक ही बैठाऊंगा ना, क्योंकि ये संख्या बैठाना पड़ता है। तो यहां एक बैठाया तो यहां पर भी एक बैठा, 21 हो गया। तो देखो 2 से 7 से एक, 27 से 21 जाएगा 6, और ये 6 जो है यहां उतर गया, और ये जो है यहां पर उतर गया, और ये 22 हुआ। इसको आप भूल जाओ, इसको ना देखो, इसको छोड़ दो। अब 22 हुआ है, अब आप यहां पे क्या बैठाओगे,
कि चला जाएगा, तो देखो 22 है, यहाँ पे मैंने दिखाया भी है 22 है, 22 को 3 से गुणा करोगे तो 66 हो जाता है, तो मतलब 3 जाएगा, तो यहाँ आपने 3 लिखा, फिर यहाँ भी 3 लिखा, अब 3 से देते हो तो 669, मतलब ये कब पूरा कट जाएगा, जब इस जगह पे 9 बनेगा, ये अगर 9 होता तो पूर्ण वर्ग हो जाता, तो मतलब आपको पता चल जाता है कि ये संख्या 9 है। तो इस तरह से ये भी जो है ये रिपीट है, इसके पहले दिन भी इस सवाल को किया गया, मैं जानबूझ के इस पे रिपीट सवालों को ले रहा हूं, किसी भी कोचिंग में एक सवाल किया जाता है उसको रिपीट नहीं कराया जाता है दोस्त, किसी टीचर के पास इतना नहीं है, मैं एक टाइप के सवाल को 4 बार 5 बार करता हूं, फिर मेरे पे आप आक्षेप लगाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता, तो किसी एक चीज को आपको 4 बार 5 बार अगर समझ में नहीं आता है तो समझना है कि कमी आप में है, उस कमी को दूर करने के लिए प्रयत्न आपको करना होगा, न कि मेरे को करना होगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। ये जो सवाल है देखिए, ये सवाल मैंने इसलिए उठाया, ए और बी के टाइप में है, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, तो मैंने a माइनस बी बराबर 9 लिखा, और उनके वर्गों के बीच अगर a लिखा तो a का वर्ग क्या होगा, a स्क्वायर माइनस, क्या कि वर्गों के बीच का अंतर, दूसरी संख्या क्या है, b स्क्वायर है, ये 207 है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ये फॉर्मूला है, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी 207 हो गया। अब देखिए a माइनस बी जो है ये 9 है, यहां पर दिया हुआ है, तो a माइनस बी बराबर 9 रख दिया, a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर 207 से 9 23 हो गया। अब चलिए हम जोड़ते हैं, a प्लस बी जो है कितना है, a प्लस बी 23 है, a माइनस बी कितना है, a माइनस बी 9 है, हम जोड़ रहे हैं, लेकिन यहां देखिए b और प्लस b और माइनस b कट गया, तो 2a बराबर क्या हो गया, 32 हो गया, 16 दूनी 32, तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर 16 हो गया। अब देखो a माइनस b बराबर 9 पहले हमारा ये दिया हुआ था, तो a माइनस b बराबर हमने 9 लिखा, अब a का मान मेरे को 16 मिला हुआ है, तो a के जगह पे मैंने 16 रख दिया, माइनस b बराबर 9 हुआ। अब अगर b को रखना है, मैं b को इधर ले जाता हूं, यहां पे अगर s को आप समझ में नहीं आता तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस b इसको रख देते हैं और इसको कहते हैं, तो क्या होगा, 9 माइनस 16, ठीक है ना, तो माइनस बी बराबर क्या होगा, माइनस बी बराबर 16 में से 9 जाएगा 7, और चूंकि माइनस का सिंबल है तो इसलिए -7 हुआ, तो इसलिए क्या हो गया, बी बराबर 7 हो गया। तो आशा करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा, फिर भी मैं आपके पास आऊंगा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आशा करता हूं यह शायद एक आखिरी होगा या शायद एक सवाल और होगा। आप में से किसी का ये नहीं आया तो चलते हैं। यह आखिरी सवाल है, 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए
1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए? ये कांस्टेबल राइफलमैन की तरह क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत जगह आता है, अच्छे अच्छों को दोगे तो नहीं कर पाता, एक लगा के पूरा उसका कर देते। आप एक 1000 में जानते हो तो भैया 30 का स्क्वायर 900 होता है, 3 × 9, ये आप पकड़ लेते हो, मतलब समझते हो 31-32 के सामने कोई संख्या होगा। तो पहले हमने 31 × 31 किया, ठीक है ना, तो 31 × 31 किया तो 961, देखा ये 1000 से छोटा है, फिर 32 का लिया, 32 को 32 से गुना किया तो मिला 1024। तो मतलब 31 का स्क्वायर 961 होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। हमें पूछा गया है 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए, तो सीधी बात है भैया 1024 है तो 24 अगर न्यूनतम वर्ग को जोड़ दें तो ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए हमने 24 को यहाँ टिक मारा, ये मैंने लिखने के लिए बोला हुआ है, लेकिन इतना तो मौखिक ही हो जाता है, 1000 है 24 है 24 जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। किसी को भी कुछ पूछना है इस पर तो पूछ सकते हैं। और देखिए कल से जो है, कल 10-11 के बीच में आपका पहला नोटिफिकेशन में असाइनमेंट में आ जाएगा, डे 1 सिंप्लीफिकेशन डे 1 का टेस्ट देना। सबसे मेरा अनुरोध है कि टेस्ट दीजिए, अगर टेस्ट देंगे कोई मार्क्स होता है कोई चिंता नहीं करे, कौन देख रहा है कौन नहीं देखता है कुछ नहीं आता जाता है, टेस्ट देते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। टेस्ट देने के बाद मार्क्स से ज्यादा है जो सवाल गलत हुए हैं, वो गलती कहाँ की है उसे देखें, उसे कॉपी एक बार जरूर बनाएं। तो कहने का मतलब है कि 20 मिनट का टेस्ट होता है, 10 से 20 मिनट और आप लगाते हैं अपने अशुद्धियों को देखने का। जो इसे करेगा वो जीवन में कभी नहीं बोल सकता है गणित नहीं करेगा। तो खाली एक ही पूछना है, हर दिन का 40 मिनट अलग से है क्या? अगर है, इच्छा है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको गणित सीखने से रोक दे, इस चीज को याद रखेंगे। तो ये मेरी सबसे, आप सबसे मेरा अनुरोध होगा कि टेस्ट अवश्य दें। चलिए हम अब चलते हैं, और मेरे हिसाब से यही आखिरी होगा, कह के 41 तक ही था। जी हाँ, ये आखिरी है। तो कल के क्लास में जो है हम फिर जाएंगे, अगर आप लोगों को, क्या कि कल का क्लास में जाऊंगा फिर एक दिन का गैप लूंगा, इसका कारण बस एक ही है कि मैं पहले मैं 10-12 सवाल करता था, 20 सवाल करके, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन मुझे 100 से ज़्यादा करवाना है, फिर घात घातांक करवाना है, तो इतनी बड़ी जफा को करने के लिए जिससे आपका कैलकुलेशन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, फिर हम चैप्टर में जाएंगे, और चैप्टर में मैं क्या बोलूं आपको, इस भारतवर्ष के किसी भी कितना बार किसी भी बोलूं का सॉल्व करने का तरीका और मेरे तरीके को देख लेंगे। 1 से 1.5 इंच में मैं सवाल का जवाब निकालता हूं, लेकिन आप मेरे साथ चल सके उसके लिए ये जरूरी है कि इन चीजों पे आपकी पकड़ हो, नहीं तो बेमतलब है, उस वक्त तो कुछ भी आपके समझ में नहीं आएगा। इसके लिए देखिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, तो ये आपको भी जानना काफी जरूरी है। चलिए फिर क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।